हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी टेलीग्राम यूज़ करते हो और वो वहाँ पर आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं और आप भी अपने टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करना चाहते हो वो भी बिल्कुल ही कम रेट के अंदर, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको अनलिमिटेड यहाँ पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करके बताऊँगा और जो आपको क्वालिटी है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और ये हमारे नॉन ड्रॉप सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। और यहाँ पर हमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करना है, हम यहाँ पर एक पेड वेबसाइट का यूज़ करके हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सब करने के लिए सिंपली से पहले हमें हमारा कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। टू गुड पैनल्स इस वेबसाइट का नाम है, आप इसे कोई ब्राउज़र में सर्च करके भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर ओपन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहले यहाँ पर हमें हमारा अकाउंट क्रिएट करना है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली से पहले हमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर हमें हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करानी है, जैसे यूज़र नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम में हमें हमारा नाम एंटर कराना है, जैसे मेरा नाम हुसैफ है तो मैं मेरा यूज़र नेम यहाँ पर हुसैफ एंटर कराऊंगा। हमें हमारे यूज़र नेम में कोई भी स्पेस का यूज़ नहीं करना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। यूज़र नेम एंटर होने के बाद यहाँ पर हमें ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है और लास्ट में एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को यहाँ पर एक बार और री एंटर करना है। फिर आई एग्री टू टर्म्स पर क्लिक करके, जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो मेरा यहाँ पर पहले से ही अकाउंट क्रिएट है, तो मैं मेरा अकाउंट लॉगिन करके बता देता हूँ। सो मैंने मेरी डिटेल एंटर कर दी है, अब मैं जैसे ही लॉगिन अकाउंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है अकाउंट लॉगिन होने के बाद। तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे करंट बैलेंस, अमाउंट स्पेंट और बैलेंस स्टेटस। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस टाइप के यहाँ पर कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा करंट बैलेंस शो हो रहा है जो कि 152 रुपीज़ है। मैंने यहाँ पर कुछ बैलेंस ऐड किया था जिसमें से अभी मेरा इतना बैलेंस बाकी है। तो यहाँ पर हमें हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने के लिए पहले कुछ पैसे पे करना पड़ेगा, तभी हम हमारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर इंक्रीज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस ऐड करने के लिए सिंपली से 3 लाइन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से एक ऑप्शन है ऐड फंड्स नाम का, तो हमें सिंपली से ऐड फंड्स पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, तो आप इस क्यूआर कोड को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अपनी पेमेंट ऐड करवा सकते हैं। तो आपको अपनी पेमेंट फ़ोनपे या पेटीएम से ही ऐड करानी है, दूसरे किसी ऐप से आपको अपनी पेमेंट नहीं ऐड करानी है, नहीं तो यहाँ पर आपकी पेमेंट ऐड नहीं होगी। फ़ोनपे और पेटीएम में एक ट्रांजेक्शन आईडी या ऑर्डर आईडी होती है, तो उस आईडी को आपको यहाँ पर डालना है और अपने अमाउंट को आपको यहाँ पर डालना है और आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा। बैलेंस ऐड होने के बाद आप बात करते हैं कि हमें हमारा ऑर्डर कैसे लगाना है। तो ऑर्डर लगाने के लिए सिंपली से हमें न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है। न्यू ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा, तो हमारे सामने कैटेगरी ऑप्शन शो होगा, तो हमें सिंपली से इस कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम की कैटेगरीज़ है और थ्रेड्स की कैटेगरीज़ है, इंस्टाग्राम की कैटेगरीज़ है, फेसबुक की कैटेगरी है, यूट्यूब की है और लास्ट में ट्विटर की है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कई सारी कैटेगरीज़ यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो पहले आपको डिसाइड ये करना है कि आपको किस चीज़ के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ कराने हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करके बताने वाला हूँ, तो मैं टेलीग्राम की कोई कैटेगरी चूज़ करूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कैटेगरी है टेलीग्राम 0% गारंटी वाली, तो मैं इस कैटेगरी को चूज़ करूँगा। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी ही कैटेगरी चूज़ करनी है। मैं आपको बताने के लिए 0% गारंटी वाली कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ, आपको हमेशा नॉन ड्रॉप और लाइफ टाइम रिफिल वाली ही कैटेगरी चूज़ करनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टार वाली कैटेगरी है, नॉन ड्रॉप लाइफ टाइम रिफिल वाली, तो आपको इसी के साथ अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करानी है। मैं आपको बताने के लिए लोकल कैटेगरी से मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करूँगा। तो आप जैसी कैटेगरी चूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमें सब मेंशन कर दिया जाएगा कि हमारी स्पीड कैसी है, ये ड्रॉप है या नॉन ड्रॉप है, तो यहाँ पर हमें सब मेंशन कर दिया जाएगा। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। कैटेगरी चूज़ करने के बाद अब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर हमें हमारे टेलीग्राम के लिंक की। तो लिंक कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली से पहले हमें हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन करना है।
चैनल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें 3 लाइन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर शेयर बटन है इस पर क्लिक करना है। शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर कॉपी बटन दिखाई देगा, तो हमें सिंपली कॉपी बटन पर क्लिक करके यहाँ से हमारा लिंक कॉपी हो जाएगा। अब इस वेबसाइट पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है, तो मैं मेरा लिंक पेस्ट कर देता हूँ। अब लिंक पेस्ट होने के बाद अब यहाँ पर हमें हमारी क्वांटिटी ऐड करनी है, कितनी क्वांटिटी में हमें हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ कराने हैं। तो मुझे यहाँ पर 100 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ कराने हैं, तो मैं 100 की क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर दूँगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे 100 सब्सक्राइबर्स का चार्ज सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ लग रहा है, यानी 5 रुपये में मुझे यहाँ पर 100 सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही कम रेट है, बहुत ही चीप प्राइस है। अब जैसे ही मैं कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, हमारी आईडी शो हो रही है, सर्विस नेम शो हो रहा है, लिंक शो हो रहा है, क्वांटिटी शो हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर अभी पेंडिंग है, यानी हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, लेकिन अभी वो ऑर्डर पेंडिंग है, उसे कंप्लीट होने में 5 to 10 मिनट्स यहाँ पर लग सकते हैं। तो अगर हमें हमारे ऑर्डर का स्टेटस चेक करना है कि अभी हमारा ऑर्डर पेंडिंग है, कैंसिल हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है, तो वो कैसे चेक करें, तो 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ से ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा ऑर्डर जो है अभी तो ऑर्डर पेंडिंग बता रहा है, इससे पहले जो मैंने ऑर्डर लिया था तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम एरो पर क्लिक करके यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमारी सर्विस कौन सी थी, और यहाँ पर हमारा लिंक भी है, क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमारी चार्ज कितना लगा है, हमें सब शो हो रहा है। ये ऑर्डर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट बता रहा है, ये ऑर्डर अभी पेंडिंग है, तो इसे अभी हमारे 5 to 10 मिनट्स में ये ऑर्डर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।